अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू महफूजा कुकिंग चैनल। हमें बहुत खुशी होती है कि आपके साथ अपनी रेसिपीज शेयर करने में। हम जो है बहुत सारी रेसिपीज लेकर आ चुके हैं, इंशाल्लाह ताला देखते हैं आज क्या बनाते हैं। आज हम लौकी का हलवा बनाएंगे। ये बहुत मज़ेदार मीठा होगा, कभी कभी मीठा भी इंसान को खा लेना चाहिए। तो चलें देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमारे पास जो है ये तीन बड़ी बड़ी लौकियां हैं, जिसको मैंने छील लिया है और एक को तो मैंने इसको साफ़ करके जो है ग्रेट भी कर लिया है। बाकी जो आपके सामने दो रखती हूँ इसको छील लिया। इसके साथ मुझे जो है मैं फुल क्रीम से दूध है एक कप दूध डालूंगी। इसके साथ साथ मैं पाउडर का मिल्क जो है एक कप डालूंगी और जो है एक कंडेंस मिल्क भी यूज़ करूँगी। इसके साथ साथ सात और आठ ये इलायची है इसका पाउडर मैंने बना लिया है वो डालूँगी। चलिए सबसे पहले जो है मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, साफ इसको पील कर लिया। इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं पहले और ये बीज का पार्ट जो है वो निकाल लेंगे। इसको आप सूप भी बना लें, सब्ज़ी में भी डाल दें, लेकिन इसमें हलवे में नहीं जाएंगे, नहीं डालेगा। ये देखिए ये चीज़ है ना, इस तरह से इसको निकाली और इसको इस तरह हम पान रख देते हैं। इसके मैं इस तरह से छोटे टुकड़े इसको आप कद्दूकस से कट भी कर सकते हैं। मैं इसको मशीन में डालूंगी, वो जल्दी हो जाता है। मैंने इसको थोड़ा सा इसीलिए रखा कि थोड़ा किया है, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। मैं इसको मशीन में डाल देती हूँ ना अपने ग्राइंडर में, तो फटाफट से हो जाता है, वैसे ही होता है। मैंने थोड़ा सा बना के रखा भी है जो आपको दिखाने के लिए। इस तरह से मैंने मशीन से बनाती हूँ तो वैसा ही हो जाता है, उसका हलवा बहुत मज़े का होता है। तो मैं इसको सारे इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस करके अपनी मशीन में डालूंगी ताकि मेरा टाइम भी बचेगा और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। ये तीन हो जाएँ इसी तरह, इसको मैंने इसी तरह निकाल लिया सारा। एक हमने सारी लौकी को जो है अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, लेकिन इसको फिर इसके बाद मैंने इसमें छान लिया ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। और फिर आप जो इसको फौरन ही फ्राई पैन में डाल देते हैं, क्योंकि इसको अगर ज़रा सा भी देर करें ना तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये मैंने इसमें सारा डाल देना है पकाने के लिए। ये मेरे पास जो है एक किलो लौकी है जिसको मैंने कद्दूकस किया, और मैंने कद्दूकस नहीं किया बल्कि मैंने इसको ग्राइंड किया है ताकि जो है जल्दी टाइम पर जाओ, वैसे ही होता है, इसका टेस्ट भी वही रहता है माशाल्लाह से। और इसका वाइट पार्ट मैंने वैसे ही बता दिया था कि निकाल दिया था, इसका ये तो सूप बना ले या सब्जी बना ले, इसको मैंने अलग करके रख दिया है। अब इसको जो है इसको पकाऊंगी, उसको कंटिन्यूसली चलाऊंगी भी, इसको 6 से 7 मिनट लगेंगे। अभी जो पूरा इसको ड्राई कर लूँगी, फिर इसके बाद इसमें जो है अभी मैं एक फुल क्रीम कप है वो इसमें डाल देती हूँ। आज हम मेवन खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं खोए की जगह में ये ड्राई मिल्क पाउडर डालूंगी पूरा एक कप भर के। तो अभी थोड़ी देर के बाद डालूंगी, लेकिन इसको मैं अभी मुझे पकाना होगा। यानी मीन टाइम हमारे पास टाइम है तो मैं जो है बादाम पिस्ते 8-10 जो है बादाम ले लूँगी, 8-10 मैंने काजू रखे हैं और 8-10 पिस्ते और थोड़ी सी किशमिश, वो सब उसको मैं साफ करके अभी रखूँगी और इसको पकाती जाऊँगी, फिर आपको बताऊँगी। ये 10 मिनट से ये हमारा हलवा जो है पक रहा है। इसमें मैंने एक कप जो है फुल क्रीम मिल्क डाला है और इसमें इसको पकाने के लिए रखा है। देखिए अभी इसका ऑलमोस्ट ड्राई होने को आ गया है। अब मैं जो है एक फुल कप भर के ये ड्राई मिल्क डाल रही हूँ। ये हमारी लौकी जो है ना ये 3/4 kg थी। इसके साथ हमें पूरा 1 लीटर दूध का चाहिए, या फिर तो मैं तो कंडेंस मिल्क और दोनों डालूँगी, इसलिए मैंने वो फुल क्रीम का एक ही कप डाला है।
और इसके साथ साथ मैंने ये 8 इलायचियां जो है इसको मैंने पीस लिया, इसका पाउडर बना लिया, ये अब इसमें अब डाल देती हूँ। अब इसको मैंने इसको फुल फ्लेम पे रखा है, पहले मीडियम पे रखा था लेकिन अब फुल फ्लेम पे क्योंकि ये ऑलमोस्ट सॉफ्ट तो हो चुकी है। और ये पिंच ऑफ मैंने ग्रीन कलर लिया है, पिंच ऑफ कलर ये ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है डार्क ग्रीन कलर, तो इसमें मैंने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाला है और ये इसमें डाल देती हूँ। इसको हमें फर्दर पकाना पड़ेगा 6 से 7 मिनट तक ताकि ये ड्राई भी हो जाए, पूरा अच्छी तरह से पक जाए, फिर इसके बाद जो है हम इसमें अपना कंडेंस मिल्क डालेंगे। कंडेंस मिल्क में पूरा डबो भर के डाल दूंगी इसमें ताकि इसकी जो है टेस्ट बिल्कुल मेवे जैसा होता है, ये बहुत कंडेंस मिल्क से बहुत अच्छा इसका टेस्ट बन जाता है। देखिए मज़ेदार सा हलवा जो है हाफ डन हो चुका है, माशाल्लाह इसका सारा दूध जो है ड्राई हो चुका है, मैंने इसमें अब जो है इस टाइम पर हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। ये मीठा होता है, बहुत मज़े का रहता है ये मिल्क और इसे मेवे की तरह से बन जाता है। देखिए इसमें डालते हैं, बहुत मज़े का है। और इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि जब इसको कद्दूकस करते हैं या इसको ग्राइंड करते हैं ना, इसको फौरन पकाना होता है ताकि वरना इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है तो अपना कलर जो है ब्लैक कर देता है या इसका कलर इतना अच्छा नहीं रहता। दूसरी बात इसकी ये है कि इसको जो है पकाने के बाद जो है फौरन दूध जो है जितना इतना लौकी हो इतना ही दूध डालते हैं, कभी इससे भी ज़्यादा हम डाल देते हैं, तो मैंने इसको जो है पाउडर का दूध डाला ताकि एक कप पूरा उससे हो गया तो उससे बहुत आसानी हो गई और जल्दी पक गया, वरना उसमें बहुत देर लगती है उसके दूध उगाड़ने में। और इस तरह से कंडेंस मिल्क जो है ये मीठा है, तो मैं शुगर जो है मुझे इसके हिसाब से क्योंकि मेरी 1 किलो ये लौकी है तो मुझे शुगर 1 कप पूरा भर के चाहिए, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि ये हमारा मीठा है। मैं तो इसमें सिर्फ इसका आधा कप डालें आप और आधा कप का इसका मीठा समझ लें, लेकिन मैं इससे भी कम डालूंगी क्योंकि हम थोड़ा कम मीठा खाते हैं। इसके साथ साथ जैसे गार्निशिंग के लिए हम थोड़ा सा मैंने कुछ मेवे निकाल लिए हैं, इसको मैं अभी काट ही रही हूँ, तैयारी कर रही है। मैंने जो 8-10 काजू ले लिए हैं, थोड़े से जो अखरोट ये पिकान हैं और थोड़े से ये बादाम हैं, थोड़ी सी किशमिश है और थोड़े से पिस्ते हैं, और सबको छोटे छोटे काट के उसको गार्निशिंग में इसको ऊपर छिड़क देंगे। और साथ ही साथ इसमें हमारी जो है हम 3 चम्मच ये 1 किलो ये 3 टेबल स्पून जो है मैं घी भी डालूंगी, लेकिन इसको जो है उसी तरह से हमें अभी तक हमें पकाना ही होगा, 5 से 7 मिनट तक फर्दर पकाएंगे ताकि इसका दूध जो बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये हमारा हलवा जो है ऑलमोस्ट 75% तक पक चुका है, और इसमें आप जो है हम थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो कंडेंस मिल्क है जो कि मीठा था, और इसमें जो हम आधा कप चीनी डाल दें, आधे से भी कम डालेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा कम मीठा खाते हैं। ये हो गया, अब इसको जो इसी तरह से फुल फ्लेम पे पका रहे हैं, और इसमें हमने ये मेवे खा डाल काट के रखे हैं ना, इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है ये किशमिश अभी डाल देती हूँ ताकि ये पक के फूल जाए, इसमें इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि इसमें मैंने इलायची का पाउडर डाला हुआ है, इसमें कंडेंस मिल्क डाला है, इसमें जो पाउडर मिल्क डाला है, इसमें सारा फुल क्रीम मिल्क डाला हुआ है, उसकी लौकी की अपनी जो है कद्दूकश की उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे घर में जैसे खुशबू फैल चुकी है। इसको इसी तरह से चलाते 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 30 मिनट से ज़्यादा हो चुके पकाते साथ साथ, इसको नज़र वरना ये लग जाता है, नज़र इस पर रखनी ही पड़ती है यूँ वरना ये लग जाता है, लेकिन इसको पकाना भी कंटिन्यू मज़े का बहुत लगता है। हलवा पकाने में मेहनत है लेकिन जब ये खाते हैं तो बहुत मज़े का लगता है, लाजवाब होता है। अब इसमें जो है थोड़ा सा मैं ये 3 चम्मच घी है तो मैं अभी 1 चम्मच डालूंगी क्योंकि ऊपर जब डालूंगी ना तो थोड़ा सा फ्राई, ये 1 पूरा भर के मैंने इसको घी डाल देना है, ये 2 चम्मच आखिर में डालूंगी। अब इसको फर्दर जो मुझे लगता है कि 5 मिनट से 5 से 6 मिनट लगेंगे,
ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, घी छोड़ने लगेगा। तो अपना दूसरा घी भी डालेंगे, अपने मेवे भी डालेंगे, उसको आपको दिखाएंगे। देखिए हमारा और हलवा जो है माशाल्लाह से ऑलमोस्ट डन होने को आ गया है। इस टाइम पर हम दो चम्मच जो है घी डाल देते हैं। और इसको जो है खूब अच्छी तरह से चलाएंगे, इसमें अच्छी तरह पूरा इसका रच बस जाए। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसको आप ट्राई करना ज़रूर। बहुत अच्छी रेसिपी है, आसान सी भी है। बस थोड़ा सा है कि इसको टाइम लगता है पकने में, लेकिन बहुत आसान है, बहुत मज़े की है। थोड़े से इंग्रीडियंट्स इसमें लगते हैं, खाने में भी हेल्दी है, क्योंकि लौकी तो हमेशा जिसको लॉन्ग स्क्वाश बोलते हैं, ये तो बहुत हमेशा से हेल्दी होती है। इसकी सब्जी भी बनाओ तो मज़े की, इसका हलवा बनाओ तो मज़े की, इसके बर्फी बनाओ तो भी बड़ी मज़े की बन जाती है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करना, और जब अच्छी लगे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया कभी भी, तो हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर भी करना, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है टाइम पे मिल सके। और हम इंशाल्लाह ताला ट्वाइस अ वीक अपनी वीडियो लगाया करेंगे, अभी जो कभी सैटरडे और वेनसडे, समटाइम्स संडे, बट मोस्टली सैटरडे और वेनसडे को लगाया करेंगे, अपलोड करेंगे। देखें इसका जब घी छूट रहा है, थोड़ा सा भैया हो जाए, फिर इसके बाद जो है मैं इसको प्लेट में डाल के आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा मेवा मैं अभी डाल देती हूँ, और थोड़ा मैं इसको ऊपर गार्निश करूँगी। ये सारे मेवे जो हैं, ताकि इसकी भी खुशबू इसके अंदर रच बस जाए। ये बहुत मज़े का, बहुत अच्छा हलवा बनेगा इंशाल्लाह ताला, आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये हमारा माशाल्लाह से हलवा रेडी हो चुका है, हम इसको अपनी प्लेटर में डाल रहे हैं। देखें बहुत मज़े का है, इसको ज़रूर ट्राई करना। इसकी जो है बहुत जो है अच्छी तरह से इसको पक भी चुका है, पूरा सॉफ्ट हो चुकी है लौकी, और मैंने इसको जो है खाने में भी बहुत मज़े का है। आप इसको खाना खाने के बाद खाएं, थोड़ा सा मीठा इंसान खा सकता है ना, रात को भी खा लें, डिनर के बाद भी, बच्चों को भी दे दें, ये हेल्दी तो बहुत ही है ना। फिर इसके साथ साथ थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए बादाम, पिस्ते, जो भी आपके पास मेवा है वो डाल दें, और खाएं ज़रूर, सबको खिलाएं। अपनी रेसिपी को जो है हमारे फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, और इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। और इसको जो है कद्दूकश के बजाय आपका वो, मैंने इसको ब्लेंडर में इसको ग्राइंड कर लिया, तो आप वो कर लें तो और काम ईजी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो था टाइम थोड़ा बच जाता है। बाकी जो है पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसका टेस्ट भी तो इतना अच्छा होता है ना, तो कभी कभी आदमी ये भी खा लेता है। और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपने इतना सपोर्ट किया, थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच, कि आपने मैं आपकी सपोर्ट की वजह से, अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से जो है मेरा यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका, और अब जो है इसको ग्रो करना है, जिसमें मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे। और हम भी आपको मायूस नहीं करेंगे, हम भी आपके लिए नई नई रेसिपियाँ, अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लाएंगे, जो इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगी। और अगर आपको कभी हो कोई नई चीज़ तो बनानी हो, तो हमें ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखें, हम ज़रूर पढ़ेंगे और आपको बना के दिखाएंगे। हमसे अगर कोई अच्छी चीज़ ना भी लगी तो वो भी आप लिखें, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, ताकि जो हमें अच्छा लगेगा, हमें आपके कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपने जो है कमेंट से हमें बताते हो, ताकि मैं अपने चैनल को, अपने काम को इम्प्रूव कर सकूं। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।